साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक और अतिथि शिक्षक के संबंध में आदेश जारी हुआ है, जो कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला संगरौली मध्य प्रदेश से हुआ है। यह आप देख सकते हैं, चूँकि 23/3/2019 को जारी हुआ था, और इसमें आप देख सकते हैं कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय नियमित कर्मचारियों की भांति प्रत्येक माह की 1 तारीख को भुगतान किए जाने बाबत। अर्थात आपको बता दें कि हमारे जो प्रदेश के अतिथि शिक्षक हैं, उनको मानदेय की ये स्थिति है कि वो जुलाई से लेकर अप्रैल माह तक काम कर लेते हैं, पूरा सेशन निकल जाता है, लेकिन उन्हें फिर भी किसी एक माह की भी वेतन नहीं मिल पाती है उस सेशन के दौरान। अर्थात उनको उस पूरा सेशन ख़त्म हो जाता है, उसके 2 महीने 4 महीने बाद भी भुगतान नहीं हो पाता, भुगतान के लिए काफ़ी समस्या आती हैं। तो ऐसा ही जो सिंगरौली से आदेश जारी हुआ है, उसमें स्पष्ट तौर से ये कहा गया है कि नियमित शिक्षकों की भांति जो 1 तारीख को उनका वेतन डल जाता है खाते में, उसी तरह अतिथि शिक्षकों का जो वेतन है वह भी प्रत्येक महीने की 1 तारीख को उनके खाते में दे देना चाहिए। इस संबंध में यह जो आदेश है, तो आप देख सकते हैं कि विषयांकित के संबंध में लेख है कि उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से आपको निर्देशित किया गया था कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय नियमित कर्मचारियों की भांति प्रत्येक माह की 1 तारीख को भुगतान किया जाए, किंतु मेरे किए गए भ्रमण के दौरान व CM हेल्पलाइन पोर्टल में लंबित शिकायतों की समीक्षा के दौरान अधो हस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में यह बात आई है कि आपके संकुल अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय नियमित कर्मचारियों की भांति प्रत्येक माह की 1 तारीख को भुगतान नहीं हो रहा है। पिछले कई माह से आपने अतिथि शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं किया है, जिसकी शिकायतें आए दिन CM हेल्पलाइन में हो रही हैं, जिससे विभाग की छवि खराब हो रही है, तथा आज की स्थिति में CM हेल्पलाइन में प्रकरण लंबित क्यों हैं, कारण स्पष्ट करें। आपका उक्त कृत्य कर्तव्य के प्रति उदासीनता तथा स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। तो साथियों, यहाँ पे आप जो आदेश देख रहे हैं, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया गया है, उनके पूरे जिला के और ब्लॉक के जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा जो अतिथि शिक्षकों के मानदेय में विलंब किया जा रहा है, तो उसका कारण बताओ नोटिस जारी है, और उनसे मांगा गया है कि आपके जो अंतर्गत जितने भी अतिथि शिक्षक हैं, उनका मानदेय का भुगतान अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों 181 पर कंप्लेन जा रही हैं, उसका निराकरण क्यों नहीं हो पा रहा है। इन सारी चीज़ों की इसमें जानकारी दी गई है, और उनके जो कर्तव्य है के प्रति उदासीनता तथा स्वेच्छाचारिता का आरोप भी इसमें किया गया है। अतः आप नीचे देख सकते हैं, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार अतिथि शिक्षकों का मानदेय नियमित शिक्षकों की भांति प्रत्येक माह की 1 तारीख को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें, तथा लंबित माहों का मानदेय 5 दिवस के अंदर भुगतान कराना सुनिश्चित करें। यदि भविष्य में अतिथि शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो आपके खिलाफ कार्यवाही हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को लेख किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात यहाँ पे की गई है कि यदि 5 दिवस के अंदर उनका भुगतान नहीं होता है और उनको प्रत्येक माह भुगतान नहीं किया जाता है अतिथि शिक्षकों को, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, और जिसकी जवाबदारी इनकी खुद की होगी। तो ये जो जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली हैं, उनके द्वारा ये बड़ा कदम है, अतिथि शिक्षकों के लिए एक अच्छी बात है कि उनको एक तो वैसे ही कम मानदेय दिया जाता है, जिसमें महीने भर का भरण पोषण करना काफ़ी मुश्किल होता है, और ऊपर से उनको 6-6, 8-8, 10-10 महीने पूरा साल निकल जाता है और मानदेय नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में उनके ऊपर क्या गुजरती है वो सिर्फ अतिथि शिक्षक ही जानता है, और कोई पदाधिकारी नहीं समझ सकता, जिनको लाखों की वेतन पर मंथ 1 तारीख को आ जाती है। तो ये अतिथि शिक्षकों के लिए यदि ऐसा होता है, उन्हें नियमित तौर से 1 तारीख को वेतन मिलती है, तो काफ़ी हद तक उनको राहत करेगा। साथियों, अतिथि शिक्षक की लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सीधे ही प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।